वेलकम बैक टू गेट ग्लैमरस। तो आज का ये लुक मैंने रक्षाबंधन के लिए स्पेशली क्रिएट किया है। तो दिस ईयर जो भी बहन अपने भाई को राखी पहनाने वाली है वो ये लुक इजीली क्रिएट कर पाएंगी। ये बहुत ही इजी सा स्मोकी आई विथ न्यूड लिप्स है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का हवाना मैंगो जेल से। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज द फाउंडेशन फ्रॉम लॉरियल और इसका मैं एक ही पंप लूंगी। एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ ए डैम स्पंज। फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज अ कंसीलर। यहाँ मैं कंसीलर को अपने अंडर आईज और पिंपल्स के लेफ्ट ओवर मार्क्स के ऊपर लगा रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू अगेन ब्लेंड इट विद द डैम स्पंज। कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ बनाना पाउडर। तो मैंने अपने आईज को भी अच्छे से प्रेप कर लिया और अभी मैं अपना आई मेकअप भी शुरू करूंगी। तो आज मैं एक सॉफ्ट स्मोकी आई क्रिएट करने वाली हूँ जो कि इस रक्षाबंधन हर एक लड़की इजीली क्रिएट कर पाए। तो आज मैं ओनली मैट आई शेडोज का ही यूज कर रही हूँ अपने आईज पर। मैंने जो भी शेड्स अपने आईलिड्स पर यूज किए उसे ही अपने लोअर लैश लाइन पे भी यूज करूंगी। आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज विद द हेल्प ऑफ ए गोल्डन हाइलाइटर। उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मस्कारा ऑन माई आईज एंड देन आई एम गोइंग टू कंटूर माई फेस विद द हेल्प ऑफ वेट एंड वेल कंटूरिंग पैलेट। इसके मदद से मैं अपने चीक बोन्स, जॉ लाइन और फॉरहेड को अच्छे से कंटूर कर लूंगी। After contouring, I'm going to use a blush. तो blush के लिए मैंने यहाँ Maybelline का Color Show blush का use किया और इस blush में थोड़े बहुत shimmer particles भी मौजूद थे। After blush, I'm going to use a highlighter which is from Wet n Wild. और इस हाइलाइटर को मैं अपने सभी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माय लिप्स फॉर विच मैंने लिया निक्स का लिप लाइनर और लिपस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रफल ट्रिम और इसको लगाने के बाद ये कलर थोड़ा सा पेल लग रहा था तो इसके ऊपर मैंने मेबिलिन का क्रीमी मैट लिपस्टिक को अच्छे से लेयर अप किया। एंड टाडा, इसी के साथ साथ आज का ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने एंजॉय किया। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इसको बड़ा सा थम्स अप दे दीजिएगा। और ये लुक मुझे बहुत ही पसंद आया विद डीप आईज एंड न्यूट्रल लिप्स। तो आपको भी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।